श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप साई का प्यार जीवन आधार प्रोग्राम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता एवं अवतार वाणी के तहत अच्छी संगत में रहो विषय पर श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग सुनेंगे। हम प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग के साथ ही साथ भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अमय देश पांडे जी। ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने गुरु वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया विभूति सुंदर शशांक शेखर साई शंकर दया करो। गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया गोकुल नंदन साई गोपाला रघुकुल भूषण साई रामा हे मदनांतक दया करो। आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली एक का पंचम भी कह सकते हैं। गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया 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 विभूति सुंदर शशांक शेखर विभूति सुंदर शशांक शेखर विभूति सुंदर शशांक शेखर विभूति सुंदर शशांक शेखर साई शंकर
दया करो साईं शंकर दया करो साईं शंकर दया करो साईं शंकर दया करो गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया गोकुल नंदन साई गोपाला गोकुल नंदन साई गोपाला गोकुल नंदन साई गोपाला गोकुल नंदन साई गोपाला रघुकुल भूषण साई रामा रघुकुल भूषण साई रामा रघुकुल भूषण साई रामा रघुकुल भूषण साई रामा हे मदनांतक दया करो हे मदनांतक दया करो हे मदनांतक दया करो हे मदनांतक दया करो गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया कहरवा ताल और अधिकांशतः राग दरबारी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुक करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया भगवान कहते हैं इस शब्द को एक दृष्टिकोण से देखें तो गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। सच्चा गुरु वो है जो प्रकाश के द्वारा अंधकार को दूर करता है यानी अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा दूर कर देते हैं। एक और दृष्टिकोण से देखें तो गु प्रतीक है गुणातीत का और रू प्रतीक है रूप वर्जित का। गुणातीत का अर्थ है जो गुणों के परे हैं और रूपवर्जित का अर्थ है जो नाम या रूप के परे हैं। भगवान बाबा बहुत से भक्तों के लिए न केवल भगवान के अवतार हैं बल्कि सनातन गुरु भी हैं जिन्होंने अपना जीवन जीकर दिखाया कि आदर्श जीवन कैसा होता है। इसीलिए भगवान हमेशा कहते थे माई लाइफ इज माई मैसेज अर्थात मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनके कहे मार्ग पर चलकर आप और हम भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। भगवान बाबा के वृंदावन व्हाइटफील्ड बेंगलोर स्थित आश्रम के निवास स्थान त्रयी वृंदावन में संध्याकालीन भजनोपरांत होने वाली वो बैठकें हैं जिनमें भगवान बाबा अपने विद्यार्थियों अध्यापकों और कुछ चुनिंदा वयोवृद्ध श्रद्धालुओं के साथ वार्तालाप किया करते थे। ऐसी ही एक बैठक में एक बार भगवान ने अपने विद्यार्थियों से पूछा तुम लोग मुझे प्रेम करते हो या मुझे चाहते हो।
सभी छात्रों ने कहा, हम आपको प्रेम करते हैं स्वामी। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, मेरे बच्चे अर्थात छात्र मुझसे प्रेम नहीं करते, मैं तुम लोगों को सिर्फ अच्छा लगता हूँ। प्रेम करने और चाहने या अच्छा लगने में क्या फ़र्क है, ये जानने के लिए बच्चों की उत्सुकता बढ़ गई। भगवान ने समझाते हुए कहा, आपके घर में एक पालतू कुत्ता है और आप उसका बहुत ध्यान रखते हो, उसकी छोटी छोटी हर ज़रूरतों को पूरा भी करते हो, जैसे उसको नहलाना, खिलाना, उसके साथ खेलना इत्यादि। लेकिन क्या आप हर वक्त उसका पीछा करते हो, वो जहाँ जहाँ भी दौड़ता है क्या आप भी उसके पीछे दौड़ते हो? नहीं, आप ऐसा नहीं करते। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आप अपने पालतू कुत्ते को प्रेम करते हो या उसे चाहते हो? इसी प्रकार तुम सब भी मुझे सिर्फ पसंद करते हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे इर्द गिर्द रहना चाहते हो, मुझे खिलाना पिलाना खुश रखना चाहते हो, लेकिन जो भी मैं कहता हूँ उस अनुशासन का पालन करने के लिए तैयार नहीं हो। भगवान को प्रेम करना मतलब उनके कहे मार्ग का अनुसरण करना होता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य संगठन के एक श्रद्धालु का अनुभव बहुत प्रासंगिक है। सन 1996 की उनकी दूसरी प्रति यात्रा उनके जीवन का एक मोड़ थी। भगवान उनके प्रति पहुंचने के पहले ही उन्हें काफी संकेत दे रहे थे। 5 बजे के करीब जब वे ट्रेन में ही थे, तब भगवान उनके स्वप्न में आए और उनसे पूछा, बोलो क्या चाहिए? वे आश्चर्यचकित होकर बोले, स्वामी आपके प्रेम और आशीर्वाद को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो तुम्हारे पास पहले से ही है, और कुछ मांगो। उन्हें कुछ और नहीं सूझा तो फिर उन्होंने फिर से वही वर मांगा। इसके बाद भगवान अदृश्य हो गए और वे चौंक के उठ भी गए। इन्होंने भगवान को पहली बार स्वप्न में देखा था, इसीलिए उन्हें लगा कि चूंकि वे भगवान के बारे में ही सोच रहे थे इसीलिए उन्हें ऐसा सपना आया होगा। पुट्टपर्ती पहुंचते ही वे भगवान के दर्शन के लिए गए। जब वे दर्शनार्थ भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उनके समीप उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैठ के एक स्वामी की पुस्तक पढ़ रहा है। इन्होंने भी उस व्यक्ति से आग्रह किया कि क्या वो कुछ थोड़ी देर के लिए उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। समीप बैठे भक्त ने किताब उनके हाथ में दे दी। जैसे ही उन्होंने किताब के पन्नों को खोला तो जो लिखा था उसे देखकर वे अचंभित रह गए। उस पन्ने में भगवान के प्रवचन का एक भाग छपा हुआ था, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं किसी के स्वप्न में अपनी इच्छा से ही दिखाई देता हूँ। अगर आप सोचते हो कि आपके चिंतन के कारण मैं आपके सपने में दिख रहा हूँ, तो ये आपकी गलत धारणा है। अपने स्वप्न के विषय में इन सज्जन को जो संदेह था वो दूर हो गया। ये तो केवल शुरुआत थी। 26 सितंबर सन 1996 की सुबह जब वे भगवान के दर्शन के लिए पंक्ति में बैठ प्रतीक्षा कर रहे थे और सौभाग्यवश वे पहली पंक्ति में बैठे थे, जब भगवान आए तो वे इनके बहुत समीप आए और जो भक्त उनकी दाईं तरफ बैठे थे उनसे भगवान ने पत्र लिया। इन्होंने भी अपना पत्र भगवान को देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने इशारे से अपने दोनों हाथ इन्हें दिखाए, मानो ये कह रहे हों कि देखो तुम्हारा पत्र लेने के लिए मेरे हाथों में जगह नहीं है। तब इन सज्जन ने अपना पत्र वापस रख लिया, लेकिन कुछ ही क्षण पश्चात उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान ने उनके बाएं तरफ बैठे भक्तों से भी पत्र ले लिया। जब वे दर्शन के पश्चात बाहर आए तो वे बहुत दुखी थे और आत्मसमीक्षा करने लगे। उनका अंतर्मन स्पष्ट आवाज में उनकी रिश्वत लेने की आदत की ओर संकेत कर रहा था। इन्होंने वहीं पर निश्चय किया कि अब वे जीवन में कभी भी रिश्वत नहीं लेंगे और मन ही मन भगवान को ये वचन दिया कि अब वे कभी जीवन में रिश्वत नहीं लेंगे। दूसरे दिन भी भाग्यवश उनको दर्शन लाइन में पहली पंक्ति में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इस बार भी भगवान उनके समीप आए और उन्होंने बड़े प्यार से बिना कुछ कहे उनका पत्र स्वीकार कर लिया। यही नहीं, भगवान ने इन्हें अपना चरण स्पर्श भी प्रदान किया। ये सज्जन जब दर्शन के पश्चात बाहर आए तो वे 7वें आसमान पर थे। खुशी से उन्होंने साईं समिति के एक वरिष्ठ सदस्य को अपना सारा किस्सा सुनाया। उन महानुभाव ने इन सज्जन को समझाते हुए कहा कि देखो, पहले दिन भगवान ने तुम्हारा पत्र स्वीकार न करते हुए ये जताया कि वे एक रिश्वतखोर भक्त में रुचि नहीं रखते, इसीलिए जब आपने ये मन ही मन निश्चय किया कि अब भविष्य में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, तो फौरन भगवान ने अपने प्यार और आशीर्वाद की वृष्टि आप पर की।
इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान को प्यार करने का अर्थ है भगवान का कहा मानना। उनके निर्देशों में से यदि हम एक या दो का भी अच्छी तरह पालन करते हैं तो सही मायने में हम कह सकते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। विभूति सुंदर शशांक शेखर। शशांक का अर्थ है चंद्र और शेखर का अर्थ है कोई भी आवरण जो सिर पर धारण किया हो। इस शब्द का अर्थ स्वामी भी है। भगवान कहते हैं कि चंद्रमा मन के देवता है, अर्थात भगवान शंकर वे देवता हैं जो हमारे मन की चंचलता को काबू कर सकते हैं। चंद्रमा काल का भी प्रतीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि भगवान शिव वो परम शक्ति हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से वे महाकालेश्वर भी हैं। विभूति के संदर्भ में सन 1987 में दिए गए एक प्रवचन में भगवान ने कहा था कि जब कोई भी वस्तु जिसका नाम और रूप है उसे जलाया जाता है तो वो भस्म हो जाती है। नाम और रूप दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और बचती है तो केवल भस्म। जब भगवान विभूति देते हैं तो वे हमें इस अद्वैत सत्य और एकत्व का बोध कराते हैं। भक्तों को मैं, मेरा और तुम्हारा जैसे भावों को उत्पन्न करने वाली भिन्नता और अहंकार से छुटकारा पाना चाहिए। वास्तव में यह तो सत्य है कि जो भी कुछ जलता है वो भस्म हो जाता है। विभूति से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि इस संसार में हर वस्तु नाशवान है। भगवान ने यह भी कहा है कि विभूति हमें नकारात्मक ऊर्जा एवं उसके प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। वो उस व्यक्ति को जो विभूति धारण करता है उसे पवित्र करती है। ये हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के अलावा इस संसार में जिसको भी हम अपना मानते हैं उसका अंत निश्चित है। भस्म उसका प्रतीक है जिसका कभी नाश नहीं होता। जब सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है तब भी भस्म ही रहती है, चाहे उसको जितना भी जलाया जाए। ये वैराग्य, ज्ञान, त्याग और तपस्या की प्रतीक है जो सभी कर्मों को वशीभूत कर देती है। ये ईश्वर का भी चिन्ह है। अपने माथे के बीच इसे लगाने से ये आपको दिव्य चैतन्य का आभास दिलाती है। ये आपके अस्तित्व का एक बहुमूल्य उपदेश है। ये आपको याद दिलाती है कि ये शरीर कभी भी मुट्ठी भर भस्म में बदल सकता है। भस्म हमें वैराग्य और निर्मोही होने का पाठ पढ़ाती है। विभूति का अंतरार्थ क्या है? क्या आप जानते हैं कि विभूति को भगवान शिव की तरह ही पवित्र माना जाता है और सम्मान दिया जाता है? पुराणों के अनुसार शिवजी अपने शरीर के सभी अंगों में श्मशान घाट की भस्म लगाकर भस्म रंजित होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन भगवान शिव हमें इस क्षणभंगुर संसार से अवगत कराकर हमारे जीवन के उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्ति की ओर प्रेरित करते हैं। जब उन्होंने शिरडी साई के रूप में अवतार लिया था तब वे मस्जिद में निरंतर जलती हुई धूनी से ऊदी निकालकर सब भक्तों को दिया करते थे। ऊदी से भक्तों की बीमारियां दूर होती थीं और जीवन में कठिन समस्याएं भी सुलझ जाती थीं। शिरडी बाबा का ऊदी वितरण करना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे भी सत्य साई और प्रेम साई की तरह शिव अवतार थे। ऊदी देने का कार्य सत्य साई अवतार में भी जारी रहा, क्योंकि भगवान शिव शक्ति के अवतार हैं। अनगिनत अवसरों पर भगवान ने विभूति सृजित कर भक्तों को दी है, जिससे उनकी बीमारियां दूर हुई हैं या फिर उनकी कृपा और रक्षा का स्रोत विभूति बन गई। उन्होंने विभूति का सृजन कर भक्तों के बीमार अंगों पर साक्षात रूप से या कभी कभी सपने में आकर विभूति लगाई है, जिससे बीमारी का निवारण हो गया। गोकुल नंदन साई गोपाला। भागवत वाहिनी में भगवान बाबा लिखते हैं, गोपाल लोकपाल हैं, ग्वाला नहीं। गोपाल जो लोगों की रक्षा एवं पालन करते हैं। जो मनुष्य का रूप उन्होंने लिया वो ग्वाले का है, लेकिन सच में तो इनका ये दिव्य स्वरूप बहुत ही मंगलकारी है जो मनुष्य को भवबंधन से छुड़ा देता है। उनके हाथ में शक्ति, युक्ति और मुक्ति है। यही बताने के लिए वही द्वापर के कृष्ण
अभी कलयुग में साई कृष्ण बनकर हमारे समक्ष हैं। उन्होंने दो गोकुलम, एक पुटपरती और एक वाइट फील्ड में स्थापित किए हैं। इन गौशालाओं में अनेक गायें हैं जो दूध देती हैं और अन्य वन्य प्राणी भी वहां मौजूद हैं। प्रारंभिक काल में जन्माष्टमी के समय भगवान स्वयं गोकुलम जाकर वहां के पशु पक्षियों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करते थे। सृष्टि के निर्माता और सृष्टि के बीच प्रेम की मौन अभिव्यक्ति का ये एक अनुपम दृश्य था। सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं, जब भगवान बाबा छोटे थे तभी से वे ऐसे खेल पसंद नहीं करते थे जिसमें पशु पक्षियों पर हिंसा हो और भगवान उनका विरोध करते थे। बड़ी एकादशी के दिन बैलों को चित्रावती नदी के किनारे दौड़ाया जाता था, तब वे अपने दोस्तों को उस खेल में हिस्सा लेने से मना करते थे। उनको ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि बैलों के मालिक उन्हें दौड़ाने के लिए उनकी पूंछ मरोड़ते थे और डंडे से उनकी पिटाई भी करते थे। प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं, काफ़ी समय पहले मुझे याद है एक बार कुछ भक्त बैलगाड़ी से चित्रावती की ओर जा रहे थे, जहां उन्होंने नदी के दूसरी ओर अपनी कार खड़ी की हुई थी। भगवान बाबा ने जाते समय उनसे कहा कि जब आप लोग नदी के किनारे रेत तक पहुंच जाएंगे तो सब लोग बैलगाड़ी से उतर जाना और आगे पैदल ही चलना। बैल इतना सारा भार लेकर रेत पर नहीं चल सकते, समझे? ये घटना दर्शाती है कि भौतिक स्तर पर भी भगवान साई साई गोपाल थे जो गायों और बैलों की रक्षा करते थे। रघुकुल भूषण साई रामा। भगवान बाबा श्री राम के ही अवतार हैं और रघुकुल के शिरोमणि हैं। हम भगवान राम से क्या सीख सकते हैं? एक तो ये कि वे सत्य और धर्म का सदैव पालन करते थे। दूसरा ये कि अपनी जननी अर्थात माता और जन्मभूमि से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने माता कैकेयी के आदेश का पालन किया और 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। जब लक्ष्मण जी ने राम जी से लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात कहा कि यहीं पर रुक जाते हैं, तब भगवान राम ने उनसे कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। भगवान बाबा ने भी ऐसे ही गुण अपने जीवन काल में अभिव्यक्त किए हैं। वे सत्य और धर्म के स्वरूप हैं और वे भी अपनी माँ के कहने पर पुटपरती छोड़कर कहीं नहीं गए। अपनी माँ ईश्वरम्मा को दिए वचन को निभाने के लिए उन्होंने समाज कल्याण के लिए 3 बड़ी योजनाएं शुरू की, जो थीं निःशुल्क विद्या, निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। गुरुदेवा प्रिय देवा साई देवा दयामया। शांत शेखर विभूति सुंदर शशांत शेखर Guru
साई देवा दयामया। गोकुल नंदन साई गोपाला, गोकुल नंदन साई गोपाला, रघुकुल भूषण साई रामा, कुल भूषण साई रामा। हे मदनांत दया करो, हे मदनांत दया करो, सुंदर शशांक शेखर, गोकुल नंदन साई गोपाला, रघुकुल भूषण साई रामा, दयामया। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम उड़ीसा राज्य संगठन के अंबादला निवासी एवं जिला रायगढ़ के सेवा प्रभारी श्रीमान मोहन कुमार साहू जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम और सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम साई राम। आज हमारे स्टूडियो में उड़ीसा राज्य से उपस्थित हैं
एक वरिष्ठ साई सदस्य युवा मोहन कुमार साहू जी, आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान के प्रेम ने उनके हृदय को छुआ और आगे चल के स्वामी का यही प्रेम उनके जीवन का आधार बन गया। साईराम मोहन भैया। साईराम भैया, रेडियो साई में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए कि आप कहाँ से आते हैं और भगवान के बारे में आपने सबसे पहले कैसे जाना और किस प्रकार भगवान का प्रेम आपके जीवन का आधार बना। मेरा नाम है मोहन कुमार साहू। मैं ओडिशा स्टेट डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ का सर्विस कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं ओरिया हूँ। थोड़ा हिंदी बोलने में अगर कुछ भूलभाल होगा तो आप समझ लीजिए। सर, मैं अपना बहन के घर में जब जाता था, छोटा था, स्वामी को फोटो देखा सिर्फ। जब मैं यंग हुआ, मैं दिल्ली में गया टेलीविज़न ट्रेनिंग करने के लिए। 85 से 92 तक मैंने दिल्ली में रहा, तो एक पोर्टेबल टीवी मैंने अपना बहन के लिए बनाया। तो वो टीवी दिया। टीवी देने के बाद मेरा जीजाजी ने बोले, अच्छा हमारा गांव में कुछ लोगों का टीवी खराब हो गया, तू बना सकते है क्या? तो मैंने एक अपना किट लेके आता था, तो वो शाम के टाइम में तो उनके घर में जाके टीवी बना दिए। तो वो सब बोले, इस एरिया में तो अच्छा टेक्नीशियन नहीं है और तुम रह जाने से कैसे होगा। मेरा जो गांव है अम्बादला सर, मेरा जो गांव है, 4500 रुपया से मैंने स्टार्ट किया। रायपुर जाके स्पेयर पार्ट्स लाया, एक छोटा सा दुकान ले लिया भाड़ा में। उसी गांव में एक और इलेक्ट्रीशियन भी है। अच्छा। तो मेरे जाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा फर्क पड़ा। अच्छा। मैं ज्यादा पैसा नहीं लेता था, जेन्युइन काम करता था, जेन्युइन फीस लेता था। उसने क्या है, पहले जितने भी लिया 400, 500, 700, 800, 1000 ऐसे लेता था। तो एक दिन ऐसे आया भैया, मेरा घर में टीवी खराब है, तो मैं शाम को आऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। उसने बोला ठीक है, शाम को मैं दुकान आऊंगा, मिलके चलेंगे। मेरे को लेके गया, बीच में मेरे को रोक दिया, बोला तुमको मैंने रिपेयर करने के लिए नहीं बुलाया, इस गांव छोड़ के तुम चले जाओ, नहीं तो तुमको मार दूंगा मैं। मैंने उस टाइम उसको एक ही शब्द बोला, भाई तुम मेरे को मार सकते हो, लेकिन अगर भगवान चाहे तो मुझे बचा भी सकता है। तो उसके अंदर क्या हुआ रिएक्शन, मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। उसने जो चाकू लेके मेरे को दिखाया, उसने तुरंत अपना एटीट्यूड चेंज किया, तुम इस गांव छोड़ के चले जाओ। मैंने बोला मैं ये गांव छोड़ के नहीं जाना है। इतने में वो दो चार लोग आ गए, तो वो चले गए। मेरा जो दुकान का नाम मैंने साई बाबा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया था। अच्छा। तो अम्बादला में जो आप, अम्बादला सर मेरा जो गांव है, मैं तो बाबा का नाम दिया हूं, लेकिन बाबा का मंदिर यहां कहां होगा। तो एक ने मेरे को बोला कि रायगढ़ में साई बाबा का मंदिर है और यहां से 90 किलोमीटर दूर है। अच्छा। एक ही ट्रेन है रायगढ़ में, शाम को उस मंदिर में पहुंचा मैं। तो भजन चल रहा था, तो मैंने देखा उनका दुकान जैसे था एक, वहां विभूति और जो बजाते हैं क्या बोलते हैं खंजनी, मैंने भजन लिया, खंजनी लिया, बाबा का कुछ किताब था। अच्छा। एक किताब लिया, स्वामी का जो संदेश था जी। फिर विभूति लेके अपना गांव आ गया। तो मेरा सोच आया कि मैं अम्बादला में ही स्वामी का एक यूनिट बनाना है मुझे। मेरे दो चार साथी जुड़ गए थे, तो मैंने क्या शाम ढलते ही दुकान बंद कर दिया, इन लोगों को बुलाया। हाँ, एक A4 साइज का येलो कलर ड्रेस पहने हुए स्वामी का एक फोटो लेके आया, और सबने एक एक भजन बोला। हमने बोला जैसे जिसको थोड़ा बजाने आता था वो ताल लय सुर कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ था उसमें। अभी मैं सोच रहा हूँ सब कुछ उसी में था। जी जी। तो स्टार्ट किया, तो लोग जानने लगे ये क्या करता है, शाम को बंद कर देता है, कोई काम नहीं करता है, रिपेयर वगैरह नहीं करता है, अंदर बंद करके भजन करता है, कोई पागल हो गया क्या, ऐसे सब उस टाइम क्या है क्रिटिसाइज भी मेरे ऊपर ज्यादा आया। अच्छा। तो मैंने किसी को ध्यान नहीं दिया जी। मेरा दिल जो बोलता है मैं वही करने लगा। धीरे 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 5 से 10 लड़के मेरे साथ जुड़ गए। उस टाइम मेरा एज था 23-24। अच्छा। का एज का था मैं जी। सर ऐसे हुआ, एक दिन आया स्वामी का बर्थडे, हमको मालूम नहीं था उस दिन बर्थडे है। उस दिन हम भजन के बाद शाम को, उस दिन बोला कल हम नगर संकीर्तन करेंगे। तो जब हम भजन घूम के बोल के आ गए, शांति किए, तो एक संयोग है जी। जो डिवोटीज थे
आंध्रा से कुछ यहाँ शादी होके आए हैं, अच्छा, यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, अच्छा, वो साइड भोटी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो स्वामी का भजन जब सुने, अरे क्या है, क्या हो रहा है, वो सब बाहर आके देखे, हम लोगों को घूमते हुए देखे, उन्होंने दिन में आके हमसे मुलाकात किए, क्या आप स्वामी का डिवोटी है, साईं बाबा का डिवोटी है? तो मैंने बोला हाँ मैं साईं बाबा का डिवोटी हूँ। तो आज साईं बाबा का जन्मदिन है, उन लोगों को पता था, अच्छा, क्योंकि अच्छा, वो डिवोटी थे, उनको कोई मौका नहीं था ये सब करने का, अच्छा, अच्छा, एक वो लोग भी अवसर खोज रहे थे, अच्छा, अच्छा, तलाश रहे थे कि कोई स्वामी के डिवोटी मिले। आज स्वामी का बर्थडे है, नवंबर 23 तारीख है, तो हमारा उत्साह द्विगुणित हो गया। तो क्या करेंगे, नहीं क्या करते हैं मेरे को मालूम नहीं, तो ऐसा है शाम को हम वो लोग भी आगे जुड़ गए, अच्छा, 8-10 औरत महिलाएं थी, आए थे जुड़ गए, तो शाम को हम भजन करेंगे, हम प्रसाद तैयार करके लाएंगे, अच्छा। भजन के बाद सबको बांटेंगे, प्रसाद बांटने के बाद वो चैप्टर वहां खत्म हो गया। तो धीरे 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 लोगों के मन में एक आग्रह आया, उत्साह आया, ये सब हमसे जुड़ गए। तो वहाँ लेडीज लोग भजन करने के लिए आना चाहते थे हर रोज, तो मेरा दुकान में शटर मतलब डोर बंद करके अंदर करता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको पब्लिक किया जाए जी। तो एक हमारा जो लड़का था, भाई था, जो साथी था जी, उनका घर मेन रोड में ही एक बरंडा था, उनके हम रिक्वेस्ट किए, तो केवल भजन के लिए हमको दिए। तो वहाँ हमारा भजन हुआ ओपन रोड साइड में, बरंडे जी, बरंडा पे। धीरे धीरे मैन पावर बढ़ा, डिवोटीज बढ़े। तो एक शिवरात्रि के दिन आया जी, पूर्व दिन हमने सब बैठ के मीटिंग किए, क्या करना है, क्या सेवा करना है। हमारे पास में 2 शिव मंदिर है जी। हमारा लेडीज और जेंट्स सब गए, लेडीज लोग गए मंदिर सफा सुथरा सब करके क्लीन करके, हम लेडीज लोग जो सर रंगोली बोलते हैं जी, वो रंगोली सब दिए, डाल दिए। तो हम क्या है, नेक्स्ट डे जो शिवरात्रि होगा, तो डिसिप्लिन के लिए एक मंदिर हमने, गांव का बाहर मंदिर है, मतलब अच्छा। हमारा गांव से 4 किलोमीटर दूर है एक गांव, अच्छा। कुट्रूपल्ली बोल के स्मॉल विलेज है, अच्छा। तो वहां सर हमने कुछ डिसिप्लिन के लिए लेडीज जेंट्स अलग करने के लिए कुछ खोटा गाड़ा कॉरिडोर किया। तो सुबह जाके हम 15 वॉलंटियर्स जी गए, तो कुएं के पास पानी निकाल करके रखे ड्रम में, ड्रम सब लेके गए थे हम। तो जो भी डिवोटीज आएंगे वो चप्पल स्टैंड के लिए टोकन बनाए थे कागज में, तो जो भी आएंगे चप्पल रखेंगे, फिर पैर धो करके फिर दर्शन करने जाएंगे, ऐसे सिस्टम हमने बनाए। वहाँ का जो कमेटी भी बहुत खुशी हो गए थे, कभी हुआ नहीं था। करीब 12:30-1 बजे एक व्यक्ति ने आया, व्यक्ति आके सीधा एंट्री किया, मुझे मालूम नहीं है, अच्छा। वो सुस्टैंड में जिन जो सेवादल भाई था उसने उसको रिक्वेस्ट किया चप्पल रखने के लिए, वो नहीं रखा। पानी वाला भी रिक्वेस्ट किया सेवादल, वो भी नहीं माना, सीधा आकर के लेडीज का जो एंट्रेंस है वहां पर खड़ा हुआ। तो उसको जाके बोला, जब मेरे नजर उसके पड़ा, आप जेंट्स साइड आ जाइए, आप उधर जाने की जरूरत नहीं, मुझे आप चप्पल दे दीजिए, मैं चप्पल स्टैंड में रख दूंगा और टोकन लाके आपको दे दूंगा। मेरा इतना मैंने उसको कहा, उसने खींच करके एक थप्पड़ मेरे गाल पे लगा दिया जोर से। मैंने कुछ समझ भी नहीं पाया कि गलती मेरा क्या था। फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, ठीक है भैया आप चप्पल दे दीजिए, मैंने रख लूंगा, कोई बात नहीं। फिर मेरे को उसने मारने के लिए फिर से हाथ उठाया, जब ने दूसरा बार मेरे को मारा तो उसको मेरा हाथ को थोड़ा पकड़ लिया, पकड़ के भाई मेरा गलती क्या है बोलो, वो क्या है, मिसबिहेव क्या, तुम ज्यादा दिखा रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ये सब मतलब जैसे एक असहिष्णुता। मैंने उसका बाद में मेरे को पता चला कि वो ईर्ष्यान्वित होने लगा है जी, जी, कि ये सब काम करके हम लोग जो पॉपुलर हो रहे हैं उसके अंदर एक ईर्ष्या, जो क्रोध बोलते हैं, जो क्या क्या शब्द जो है, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, जलन से भरा, जलन, हाँ ठीक ठीक, उसका जो जलन सा पैदा हुआ था मेरे को पता चला। तो ठीक है, इतने में क्या है, जो सेवा दल हमारा साथियों थे सब देख रहे थे मेरे को थप्पड़ मारना, सब दौड़ के आ गए अपने अपने जगह से उसको मारने के लिए जी जी जी। तो मैंने तुरंत, जिन्होंने एग्रेसिव हो रहे थे उसके ऊपर मारने के लिए, तुरंत बोला शायराम बोल के जोर से मैंने चिल्लाया, रुको, बोला हम यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आए हैं, इनडिसिप्लिन करने के लिए नहीं है, तो आपको ये क्यों मारा, आपका क्या गलती है, वो सब छोड़ो, हम स्वामी के सेवा, ईश्वर जी का सेवा करने के लिए हम आए आज शिवरात्रि का दिन है, वो सब हिसाब किताब वो देखेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करने का, अगर हम उसके ऊपर हाथ उठाएंगे ये हमारा गलती हो जाएगा जी।
हम जो जो जगह में सेवा कर रहे हैं वो जगह लौट जाओ। फिर आर्गुमेंट काफी किए, लड़के लोग मान नहीं रहे थे। मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये स्वामी का हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम नहीं है, हम डिसिप्लिन मेंटेन करने यहाँ आए। मैं फिर से दोहरा रहा था, बच्चों को समझाया मैंने, वो चले गए। वो लड़का भी जिसने मेरे को ऊपर अटैक किया था, वो भी बिना दर्शन किए चला गया। गाँव जाने के बाद ये सब चर्चा होने लगा उस इंसिडेंट का बारे में। छोटा सा गांव है, कुछ भी होता था कहीं भी मालूम पड़ जाता है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये कौन है लड़का, ये क्या है, उसने क्यों मारा, इसने मना किया मारने के लिए, इसके पास ये मार सकता था लेकिन नहीं मारा। तो कुछ लोग मेरे को आके बोले, भाई आप पुलिस में कंप्लेंट करो, ये क्यों आपको मारा, आप तो सेवा करने गए थे, अच्छे काम करने के लिए गए थे, क्यों इसने मारा। मैंने बोला एक ही शब्द कहा उन लोगों को, जिनको मैंने बताना है उनको बता दिया, वो देखेंगे। मेरे को कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, मुझे किसी के पास कंप्लेंट नहीं करना है। उस बात के ऊपर उन्होंने काफी गहराई से उनको वो स्पर्श किया, जो लोग मेरे पास आए। इतना इसके पास कॉन्फिडेंस है, बिलीव है साईं बाबा के ऊपर, क्या है इसका राज। तो भैया मैं वो श्रोताओं को बताना चाहूंगा यहाँ पर जी। वो जो थप्पड़ मेरे को उस दिन से वरदान साबित हुआ कि अंबादला विलेज में साई ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक ये मेरे को ब्लेसिंग हो गया स्वामी का जी। मैं अभी सोच रहा हूँ जी 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 जी। तो कैसे वो सब धीरे 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 ये सब क्या हो रहा है, सत्य साई कौन है, किसी को मालूम नहीं है उस गांव में। उनकी रुचि बढ़ने लगी तो हमारे ऊपर नजर भी बढ़ने लगा, ये क्या करता है, इसका डेली शेड्यूल क्या है, ये नजर गाड़ने लगे हमारे ऊपर। तो हमने नगर संकीर्तन हर रोज करना, लेडीज भी आते हैं जेंट्स भी आते हैं, फिर हमारा रथ यात्रा के सेवा करना, ये सब हमने हर एक फेस्टिवल में इन्वॉल्व हुआ सेवा दल। उस टाइम हमको स्कार्फ मिल गया था। अच्छा। स्कार्फ पहन करके हमने सेवा कर रहे थे। हमारे उस टाइम क्या है, हमारे अंदर एक जोश था जी जी जी। हाँ, स्कार्फ पहनने से वो जोश दुगुना हो जाता था। तो इतना आग्रह हमारा हुआ। तो तब तक मैंने स्वामी को नहीं देखा था। आज जी वाह। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य संगठन के जिला रायगढ़ के अंबादला निवासी श्रीमान मोहन कुमार साहू जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 31 मई सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। आज हम भगवान द्वारा अच्छी संगत में रहो विषय पर उनके उद्गार सुनेंगे। ऐसा लगता है कि क्षमा कहीं और है, दंड कहीं और। अपराधी कोई और होता है और सजा किसी और को मिलती है। ऐसा होता रहता है दुनिया में। रात्रि पूट नी रूम लो पंडुकुंदा, रात में एक कमरे में तुम सो रहे हो। पंडुकुने तपटके चाला दोमलंता वच्चिनाई, सोते समय बहुत सारे मच्छर भी आ गए हैं। कानी रेंडो रोज मस्कटे नट कट्टुकुन्नावु, अगले दिन तुमने मच्छरदानी लगा ली। कानी मस्नु नट कट्टुकुंटे मस्किटोस बाइट उंटे परवालेदु, मस्किटोस लोपल उन्नाई। मच्छरदानी के बाहर मच्छर हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन मच्छर अंदर हैं। कानी लोपल उन्नति मस्किटोस ने ये रीत के नहीं चंपा गला हो। अंदर मौजूद मच्छरों से कैसे निपटोगे? तरवाता तान तोले आडू मरी वेस कुन्नाडू। उन्हें बाहर निकाल दिया, फिर मच्छरदानी लगा ली। मुंदु रोज राते कुट्टी नेटमेंट दोमु वक्कटे। पहले दिन रात को जिस मच्छर ने काटा था वो एक ही था। मालूम नहीं वो कौन सा मच्छर है। लेकिन अगले दिन फ्लिट ला के सबको मार डाला। తను కుట్టినటువంటి మస్కిటో ఒకటైతే చావటం అనేక మస్కిటోస్ చచ్చాయి। కాటా ఏక్ మచ్చర్ నే లేకిన్ అనేక మచ్చర్ మర్ గయే। కానీ నిరపరాధి కదా ఇవి। వే తో నిరపరాధి థే నా। కాదు కాదు ఫ్రెండ్షిప్ ఆ కుట్టిన మస్కిటోస్ కి ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్। నహీ నహీ సహచర్య ఉస్ కాటనే వాలే మచ్చర్ కే యే సభీ సహచర్ థే। టెల్ మీ యువర్ కంపెనీ ఐ షుడ్ టెల్ యు వాట్ యు ఆర్ అని ఈ మస్కిటోస్ కునేటువంటి గుణమే తనకు ఉన్నాయి। జైసీ సంగత్ వైసీ రంగత్ ఇస్ మచ్చర్ కే గుణ సభీ మే థే। संगत के अनुरूप हमारी वही गति होती है। दुर्भावों को अंदर प्रविष्ट होने का मौका देने पर, दुर्भाव हमारे अंदर प्रविष्ट होने पर दुष्संकल्प मन को आविर्भविस्ताए। बुरे विचार बढ़ने लगेंगे। दुष्संकल्प आविर्भविंचेटप्पटिकी बुरे विचार बढ़ने पर मन क्षमा कोल्पोता हम सहनशीलता खो बैठेंगे। एक बार खो देने पर हम इसे वापस हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें देखना है कि हमारा धैर्य न छूटे, तभी हमारे अंदर वास्तविक दृढ़ता आ पाएगी। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने श्री भगवान की मधुर वाणी में अच्छी संगत में रहो विषय पर उनके उद्गार सुने। साई राम, आप सुन रहे हैं रेडियो साई हिंदी का प्रशांत निलियम से प्रसारण। अब पेश है भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई। इस भाग में सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से लिए गए अलौकिक प्रसंगों को हम सुन रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों से लिए गए हैं। आज के इस प्रसारण में प्रस्तुत है बाबा के श्रीमुख से प्रवचनों के आनंद का सरस वर्णन। बाबा द्वारा सार्वजनिक प्रवचनों और भक्तों से व्यक्तिगत संभाषण के अनेक उद्धरणों को इस भाग में शामिल किया गया है। आइए इन प्रसंगों का आनंद लेते हैं। बाबा के प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त किए हुए लोग उस मंगलवाणी के अमृत कलश को बहुत काल तक याद कर रसास्वादन का सुख पाते हैं। अन्य किसी प्रवचन सुनने से वो आनंद प्राप्त नहीं होता। बाबा भक्तों के साथ तो संभाषण तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी आदि भाषाओं में करते, पर प्रवचन तेलुगु भाषा में ही करते। बद्रीनाथ में बाबा की यात्रा में अनेक तेलुगु प्रवचनों का अनुवाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर बी रामकृष्ण राव ने किया। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि केरल के तिरुअनंतपुरम में उनके प्रवचन का मलयालम भाषा में मैंने अनुवाद किया, कुर्ग में कन्नड़ भाषा में अनुवाद मैंने किया, तमिल भाषा में मैंने और डॉक्टर के वैद्यनाथन ने प्रायः किया है। बाबा बारंबार अपनी वाणी की झड़ी को अनुवाद के लिए रोकते और विषय का पृथक पृथक रीति से प्रतिपादन करते जाते, किंतु बिना अनुवाद के ही उनका उपदेश सीधा हृदय में प्रवेश कर सकता है। संस्कृत के शब्दों के प्रयोग द्वारा मुख के भाव से और अंग विन्यास यानी शारीरिक भाव भंगिमा से और चिर परिचित दैनिक जीवन के उदाहरण और उपकथाओं द्वारा अपने संदेश को समझाया करते। सुमधुर मीणा नाद के समान बाबा की वाणी हम सबके अंतःकरण की तंत्रियों को स्पंदन कर
मधुर तरंगे उत्पन्न कर, पुलकित कर, परिशुद्ध कर हम सब में नव चेतना भर देती है। प्रवचन के पूर्व बाबा कभी भी अपने भाषण का विषय निर्धारित नहीं करते। सभा के अनुसार, संदर्भानुसार, परिस्थितियों के अनुसार, उस स्थानीय घटना और वस्तुओं से ही अपने आवश्यक उदाहरण चुनकर हजारों लोगों के चित्त को आकर्षित कर ज्ञान प्रदान करते। प्रत्येक श्रोता सोचता कि आहा हा, बाबा मुझे ही संबोधन कर मेरे ही विषय में कितने स्नेह से सरस बातें कर रहे हैं, और श्रोतागण यूं जागृत हो जाते। मैं तुम लोगों से केवल संभाषण ही कर रहा हूं, बाबा ही इस प्रकार कहते। वो मनमोहक वदन, प्रेमपूर्ण मंद मधुर हास्य, हर्षदायक ध्वनि और वो धैर्य व उत्साह से भरा संदेश प्रत्येक के लिए पृथक पृथक प्रसाद रूप में हो जाता। उनका संभाषण समाप्त होते ही हमारे अंतःकरण उन्हीं की ओर प्रयाण कर जाते, क्योंकि उनके प्रत्येक वाक्य में ज्ञान, प्रेम और करुणा प्रवाहित होती रहती। किंतु याद रहे, वे न केवल वाक्पटु हैं, न प्रचारक, न उपदेशक हैं, वे हम अर्जुनों का रथ चलाकर ज्ञान प्रदान करते हुए श्री कृष्ण भगवान ही हैं। बाबा ने स्वयं अपनी 14 वर्ष की आयु में कहा था, देखना अपनी 32 वर्ष की आयु में मैं धर्म संस्थापना का उपदेश करूंगा। उस अवस्था तक वे नवरात्र, शिवरात्रि आदि उत्सव काल में प्रशांति निलयम और चित्रावती तट पर भक्तों को संबोधन कर संभाषण ही करते थे, कहीं रंगमंच पर भाषण नहीं किया था। चित्रावती के तट पर या निलयम में बाबा ने यदि संभाषण किया हो तो वो किसी के पूछे हुए प्रश्नोत्तर रूप में ही, अथवा किसी की समस्या का स्पष्टीकरण करने के लिए किया जाता था। संभाषण करते समय किसी समस्या से संबंधित अनेक विषय सहज रीति से ही चर्चा में आ जाते। मरण के पश्चात जीव की गति के विषय के इस प्रश्न के उत्तर में बाबा ने 1 घंटे से अधिक समय तक विवरण दिया था। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि उनका उस दिन का भाषण मुझे भली भांति याद है। गरुड़ पुराण से प्रारंभ कर सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य तथा सायुज्य मुक्ति तक विस्तृत वर्णन उन्होंने किया। भूत, पिशाच आदि का अस्तित्व, अंतिम संस्कार की दहन क्रिया, गाड़ना आदि की प्रथाओं के आंतरिक गुणार्थ को बाबा ने स्पष्ट किया। पौत्र का नाम दादाजी यानी पितामह के नाम पर रखने की परंपराओं को स्पष्ट किया। मृतात्माओं से संवाद करने के विषय पर भी प्रकाश डाला। बीच बीच में बाबा स्वयं अपने पास बैठे हुए लोगों को संबोधित कर सहज सरल ग्राह्य रीति से अर्थ कर समझाते थे। उस समय लगता था कि बाबा के सानिध्य में कम से कम थोड़ी देर के लिए बैठना ही चाहिए, नहीं तो यूं प्रतीत होगा कि जैसे हाथ में आए हुए अनमोल उपदेश रत्नों को खो दिया हो। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में क्या इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया, अब तुम इन सबको भली भांति मनन करो, तत्पश्चात यथेच्छसि तथा कुरु। इस अवतार में भी बाबा ने वैसा ही उपदेश दिया। वे आग्रह नहीं करते थे, बल्कि संशय का निवारण कर प्रश्नों का उत्तर देकर मस्तिष्क का आंदोलन रोककर बुद्धि भ्रम का नाश कर मन के मोह को मुग्ध कर विवेक वृद्धि करने में वे सिद्ध हस्त थे। उनके समान ज्ञान दाता अन्य कोई नहीं। गुरुजनों के, जगत गुरुओं के भी वे गुरु हैं। एक बार होर्सली हिल नामक पहाड़ी पर एक कोठी में बाबा थोड़े भक्तों के साथ 7-8 दिन ठहरे थे। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि तब हम सबको साथ लेकर सुबह सायं जंगल में एक चट्टान पर बैठकर कोई न कोई विषय चुनकर विषय विश्लेषण करवाकर अंत में
वे स्वयं अंतिम निर्णय समझाकर हम सबको संतुष्ट करते थे। हमारे आचरण अंतर्गत नियम, निष्ठा, जप, ध्यान, इन सब के विषय में प्रत्येक से पूछकर उनमें उपस्थित सामान्य लक्षणों को समझाते थे। प्रत्येक की अपनी अपनी साधना के उद्देश्य से उनका स्तर देखते थे। प्रत्येक से अपने अपने इष्ट के विषय में बाबा ने एक दिन पूछा, हमारे अध्ययन किए हुए आध्यात्मिक ग्रंथ कौन से हैं? उनमें से किस ग्रंथ के अध्ययन से हमारे मन का परिवर्तन हुआ? इस सब पर बाबा ने संभाषण किया। एक दिन संध्या के समय साक्षात्कार के विषय में हमारी क्या कल्पना है, इस विषय में हम सबसे पूछा। हम लोगों को उस विषय में कुछ न सूझने पर उन्होंने स्वयं उसे स्पष्ट किया। इस प्रकार हमारे अंतःकरण के अंधकार और माया के आवरण को हम ही से ढूंढ लेने के लिए और हमारे ही प्रयत्नों से उनको हटा देने के लिए प्रेरणा करते। उन्होंने अपने भक्तों के साथ व्यतीत किए प्रत्येक पल का उपयोग भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए किया, जिज्ञासाओं को संतुष्ट किया, संदेहों को दूर किया, भ्रम का निवारण किया और मन के अंधेरे कोनों तक पहुंचकर वहां ज्ञान का प्रकाश फैलाया। यही इस अवतार का रहस्य है। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साईं। आज के प्रसारण में हमने ये जाना कि प्रारंभिक वर्षों में बाबा के द्वारा दिए गए प्रवचनों की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि वे अपने शब्दों से प्रत्येक श्रोता के अंतःकरण को छू लेते थे। बाबा प्रवचनों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को समझा देते थे। बाबा की वाणी से झरने वाली इस अमृत वर्षा के वर्णन का आनंद अगले कुछ भागों में जारी रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोताओं से विदा लेते हैं। जय साईं राम। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258, 9393258258, 9393258258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इस प्रार्थना के साथ हम साई प्रेमवाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।